कोलडीहा 18 नंबर में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह द्वारा गुरुवार को जनसंपर्क किया गया। इस मौके पर जन समस्याओं से अवगत हुए। जनसंपर्क के क्रम में उक्त गांव में घर घर संपर्क करते हुए युवा वर्ग तथा भाजपा के समर्थित कार्यकर्ताओं के साथ सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह द्वारा बैठक कर बताया गया कि 20 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा की सफलता हेतु 20 सितंबर को जम्मू विधानसभा के झारखंड धाम में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने एवं 21 तथा 22 सितंबर को गिरिडीह विधानसभा के पचम्बा से नगर में होने वाली रैली एवं जनसभा में शामिल होने हेतु अपील किया गया। मौके पर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना भी साधा। मौके पर वरिष्ठ नेता अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान, चेतू दास, मनोज तुरी, संजय तुरी, अतुल तुरी, राजकुमार भुइयां, सुरेश तुरी, मंटू वर्णवाल, प्रदीप तुरी, दिवाली भुइयां, जय कुमार दास सहित काफी संख्या में ग्रामीण थे। गिरिडीह विधानसभा के मध्यभाग मंडल अंतर्गत यहाँ 18 नंबर कोलडीहा में है और यहाँ पर कोलडीहा के 18 नंबर के सभी प्रतिष्ठित सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी लोग हैं। साथ में अमित पासवान भी आए और यहाँ जो है मंटू जी हैं, राजकुमार जी हैं, मनोज जी हैं, संजय जी हैं, ये सभी साथी हैं, पूरे ग्रामीण हैं। और इन लोगों से जन समस्याओं के संबंध में वार्ता हुई तो अभी 45 लोगों के द्वारा बताया गया कि ये घनी आबादी है और काफ़ी दूरी तक जो है यहाँ जो तार लगाए गए हैं उसमें कवरेज नहीं है, जिसके चलते बीच बीच में टूट जाता है, इसे जान माल का खतरा है। और दूसरी चीज़ की ट्रांसफार्मर भी यहाँ 25-25 के लिए कटो लगाया गया है, जिसके चलते जो है वोल्टेज काफ़ी कम रहता है और कुछ पोल की भी ज़रूरत है। तो इन स्थितियों के लिए हमने आवेदन की मांग की है और यहाँ के GM और मुख्य अभियंता से बात कर करके इस समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। और दूसरी जो समस्या है उनके विषय में भी बात हुई और यहाँ सभी लोग आए, मैं सभी को शुभकामना और बधाई देता हूँ। साथ ही हमने आग्रह किया कि जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी का निकल रही है, जिसमें कल अमित शाह जी भी जमुआ के झारखंडी धाम में आ रहे हैं और 21 तारीख को यहाँ पचम्बा से जो है एक रैली निकलेगी, पूरे शहर में भ्रमण करेगी और आम सभा भी होगी। उसमें यहाँ के सभी नवयुवकों से हमने आग्रह किया कि आप लोग उस रैली में, परिवर्तन रैली में भाग लेने का कष्ट किए और यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से लोग प्रभावित हैं।